वो एक जो सबसे बड़ी बात पेश की जाती है वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 53 साल की ज़िंदगी में, जब आपकी उम्र 53 साल हो चुकी थी, उस वक्त आपने एक इंतहाई कम उम्र लड़की माँ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ निकाह किया। इसी बात को गैर महज़्ज़ब तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ बिल्ला बिल्कुल एक ख़्वाहिश परस्त, आज की ज़बान में रात दिन गोया के नौज़ बिल्ला सेक्स ही के चक्कर में रहता हो, इस तरह की बात और इस तरह की बातें बना बना कर और वीडियो वायरल करके मुसलमानों को तकलीफ दी जाती है, नबी के सामने गुस्ताखी की जाती है। मेरे मुसलमान भाइयों, आप हज़रात पढ़े लिखे हैं और पूरे आसाम में एक ऐसे शहर और एक ऐसे महल्ले के रहने वाले हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे आसाम में मशहूर है। मुमकिन है कि आपके शहर में या आपके जान पहचान में कोई मुसलमान या कोई गैर मुस्लिम इस तरह की बात कभी आपसे भी शेयर करे और आपके कान में भी आए, तो इस सिलसिले में दो तीन बातें आप हज़रात ज़रूर याद रख लीजिए। एक बात तो यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पहली जो शादी की जब आपकी उम्र 25 साल थी, उस वक्त एक 40 साल की औरत से, जो बेवा औरत थी जिनके शौहर का इंतकाल हो गया था या जिनके शौहर ने तलाक दे दी थी, कम से कम 2 मरतबा वो मुतल्लका या बेवा हो चुकी थी, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनकी उम्र 40 साल और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल। 25 साल का नौजवान और वो भी अल्लाह का नबी बनने वाला इंसान, इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई ताकतवर मजबूत, वो 40 साल की औरत से निकाह कर रहा है। इसका मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालिस परस्त नहीं थे, रात दिन औरत के चक्कर में रहने वाले ऐसा इंसान नहीं थे। अगर आपके दिलो दिमाग में हर वक्त औरत का, लड़की का ख्याल होता तो याद कीजिए उस वाकये को, मक्के के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग से रोकने के लिए, इस्लाम के प्रचार और एडवर्टाइज को रोकने के लिए मक्के के लोगों ने बहुत कोशिश की। यहाँ तक कि कुफार के बड़े बड़े सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मर्तबा तशरीफ लाते हैं, मक्के के बड़े बड़े लोग आते हैं और आकर ये कहते हैं कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे माशरे के, हमारे समाज के एक अकलमंद इंसान हैं, आपके अंदर बहुत सारी खूबियाँ और बहुत सारे कमालात हैं, हम ये चाहते हैं कि अगर आपको सरदार बनने का शौक़ है
तो हम पूरी कौम और पूरी बिरादरी का सरदार मुरब्बी आपको बनाने के लिए तैयार हैं। अगर आप किसी खूबसूरत औरत से शादी करना चाहते हैं तो पूरे कुरैश के अंदर सबसे ज्यादा खूबसूरत जो लड़की है उस लड़की को हम आपके निकाह में देने के लिए तैयार हैं। अगर आपको माल दौलत चाहिए तो जितना माल जितनी दौलत चाहिए आप जबान से बोल दीजिए, हम उतना माल उतनी दौलत देने के लिए तैयार हैं। जो भी आपका डिमांड होगा, जो भी मुतालबा होगा, हम उसको पूरा करेंगे। लेकिन ऐ मोहम्मद, अल्लाह के वास्ते ये नया दीन, नई शरीयत, नया धर्म, नया मजहब जिसका आप एडवर्टाइज और प्रचार करते हैं, तबलीग करते हैं, ये काम करना आप छोड़ दीजिए। मेरे भाइयों, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में रात दिन औरत का ख्याल, खालिस का, सेक्स का ख्याल होता तो कितना अच्छा होता था। कह देते कि मक्के की फला लड़की सबसे खूबसूरत लड़की है, मेरा निकाह उनके साथ करा दो, आज के बाद मैं दावत तबलीग का काम छोड़ दूंगा। नहीं कहा, आपने क्या कहा कि देखो अगर मेरे एक हाथ में तुम सूरज लाकर पेश कर दो और एक हाथ में चांद लाकर पेश कर दो और तुम ये कहो कि दावत और तबलीग का काम छोड़ दो, मैं इस दीन हक की दावत और तबलीग का काम नहीं छोड़ सकता, चाहे आप इसके लिए मुझको माल दौलत की लालच दें, चाहे आप इसके लिए मेरी जान ले लें, मुझको जान से मार दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मोहसिन इंसानियत के, मर्दों को जो हक मिलना चाहिए वो आपने दिया, औरतों को जो हक मिलना चाहिए वो आपने दिया। वो समाज, वो मुआशरा अरब का, जहाँ माँ के पेट से पैदा होने वाली बच्ची को बेरहम बाप जिंदा दफन कर देता था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की वही के इशारे पर उन लोगों की सजा मरने के बाद क्या होगी इसको बयान किया, डराया और औरतों को, बच्चियों को उनका हुकूक दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 25 साल तक माँ खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ रहे। हिजरत से 3 साल पहले, यानी जब आपकी उम्र 50 साल हो गई, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। पूरी जवानी आपने एक औरत के साथ गुजार दी, 50 साल की उम्र है और एक ही औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में है। अगर आपके दिल में ख्वाहिश का ज्यादा ये होता, रात दिन औरत के चक्कर में, लड़कियों के चक्कर में, नौज बिल्ला सेक्स के चक्कर में आप रहते तो ये कीमती जवानी के साथ, जवानी के दिन एक बेवा औरत के साथ न गुजारते। 50 साल की उम्र हुई, हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हो गया। कोई बीवी आपके पास नहीं है। हजरत उस्मान इब्ने मज़मून रजी अल्लाह तआला अन्हु एक बड़े सूफी सहाबी थे, उनकी बीवी खौला बिनत हकीम रजी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है और आकर कहती है कि आपको शादी कर लेना चाहिए, अभी आपकी उम्र है, आपको दोबारा निकाह कर लेना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं किससे निकाह करूं, कौन मुझको लड़की देगा। हजरत खौला कहती है कि अगर आप कुंवारी ऐसी लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है, बेशादी शुदा लड़की से शादी करना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगी,
और अगर मुतल्लका बेवा यानी जिसकी शादी पहले हो चुकी थी, शौहर ने तलाक दे दिया या उसके हस्बैंड का डेट हो गया, बेवा हो गई, अगर आप बेवा औरत से शादी करना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगी। हजरत खौला रज़ियल्लाहु अन्हा ने दो नाम पेश किया, एक जो शादी शुदा थी मुतल्लका थी सौदा बिनते जमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और एक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लड़की हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ बात करो, देखो अगर वो लोग अपनी लड़की देने के लिए तैयार हो। हजरत खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर जाती है और जाकर बात करती है कि आपकी एक लड़की है आयशा, आयशा का निकाह क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करना पसंद करेंगे। यहां दो बात याद रखिए, एक बात यह है कि उन लोगों ने ये जवाब दिया कि चूंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई हैं, मुंह बोला भाई, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को अपना भाई बना दिया था, और अरब समाज के अंदर जैसे अपने भाई की लड़की से निकाह नहीं किया जाता था, इसी तरह अगर दोस्ताना किसी को अपना भाई बना लिया उसकी लड़की से भी निकाह नहीं किया जा सकता था, और हजरत अबू बकर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाई बना लिया था, तो उन्होंने कहा कि मेरी लड़की का निकाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसे होगा, मैं तो उनका भाई हूँ। एक दूसरी एक अहम पॉइंट की बात याद रखिएगा, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र उस वक्त सही कौल के मुताबिक 6 साल थी और उनका निकाह एक जगह फिक्स हो चुका था, एक जगह उनके निकाह की बात हो चुकी थी। हजरत जुबैर इब्ने मुतइम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी हैं, उनके लड़के के साथ उनका एंगेजमेंट हो चुका है हजरत आयशा का। तो ये दो पॉइंट हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बात का तो जवाब दे दिया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरा अपना हकीकी भाई नहीं है, ये मेरे दोस्त हैं, मैं उनको भाई कहकर पुकारता हूँ, उनकी लड़की से मेरा निकाह करना जायज है, एक बात। दूसरी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खौला जो बीच में निकाह का पैगाम पहुंचाना लाना आना जाना कर रही थी उनसे कहा कि चूंकि हजरत निकाह हजरत आयशा का निकाह एक जगह पर फिक्स हो चुका है, इंगेजमेंट हो चुका है, लिहाजा पहले जाकर आयशा की माँ से बात करो कि उम्मे रुमान हजरत आयशा की माँ जुबैर इब्ने मुतइम जिनके लड़के के साथ हजरत आयशा का निकाह फिक्स हुआ है उनसे बात करें, क्योंकि आयशा का निकाह वहां तय हो चुका है। तो हजरत खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी उम्मे रुमान के पास जाती है और जाकर उनसे बात करती है, उम्मे रुमान अपने होने वाले दामाद जुबैर इब्ने मुतइम के लड़के के घर जाती है और वहां जाकर अपने होने वाले संगी और संगत यानी प्यारे और प्यारी से बात करती है। तो जुबैर इब्ने मुतइम की बीवी ने कहा, क्योंकि वो लोग अभी इस्लाम कबूल नहीं किए थे, उन्होंने कहा कि आयशा ये नया दीन को फॉलो करती है, ये इस्लाम मजहब को मानने वाली लड़की है, मेरे घर में आने के बाद उन्होंने अपने धर्म के मुताबिक कहा मेरे घर में आने के बाद सबको वो बेधर्म बना देगी यानी सबको मुसलमान बना देगी, मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं। आज की बात यही खत्म होती है इस बात को याद रखते हुए कि हजरत आयशा का निकाह 6 साल में हुआ, आप
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ, लेकिन होने से पहले उसका निकाह कहीं और फिक्स हो चुका था। बात यहां पर पूरी हो गई। उसके बाद एक जरूर